ये सभी है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए मैं पूरा इधर मिक्स हो गया, ये रही बेसन। फिलहाल चलिए दिखाते हैं। तो फाइनली देखिए मिक्स हो चुका है, तो चलिए अभी सब चीज डाल दिए हैं। और इधर देखिए, सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हो चुकी है दोपहर का समय और फिलहाल हम हैं छत पे। तो फिलहाल तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कल ब्लॉग हमारा नहीं आया था यूट्यूब चैनल पे फिलहाल दोस्तों, और कल शाम को गए थे बाल कटाने के लिए। तो देख सकते हो पूरा, और मतलब बाल था उस टाइम कैसा लग रहा था। फिलहाल तो दोस्तों अभी बाल कटाया हूँ, तो कैसा लग रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आज का मौसम देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। देखिए बहुत ही तगड़ी, आज भी बहुत तगड़ी वाली धूप है। आज थोड़ा तो हवा भी चल रहा है, देख सकते हो दोस्तों। और सभी कपड़ा इधर फिंच कर पसार दिए थे भाभी जी, जो कि अभी सूख रहा है। और दोस्तों फिलहाल तो मैं बता दूं कि कल जो है, यानी कि मंजली भाभी और मंजले भैया और संजले भैया और नायरा और दोस्तों कारू सभी आए थे। फिलहाल तो मैं आपको कल ब्लॉग नहीं बना पाया ना, तो आज आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी फिलहाल नीचे। देखिए और फिलहाल दोस्तों देखिए हम मतलब छत पे से अभी बाहर चले आए हैं। और इधर देखिए नायरा आ गई है, देखिए पढ़ के हाय बोल दो बेटा। अरे देखिए सभी कोई पढ़ के आ गई है, ये देखिए नविया सब अभी स्कूल से आ गई, अभी जा रही है दोस्तों घर है। ये देखिए साथ में उसका दोस्त भी है। तो चलिए अभी फिलहाल दोस्तों भाभी सब अभी खाना बनाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे अभी फिलहाल, चलिए। और दोस्तों अभी फिलहाल तो देखिए हो चुकी है शाम। अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अभी खाना बनने के लिए तैयारी। अभी पापा आए थे मार्केट से, जो कि दोस्तों कटहल लेकर, बहुत दिन के बाद आज कटहल खाने को मिलेगा हम लोगों को, तो फिलहाल दिखाएंगे। और ये देखिए सभी है, ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए मैं अभी चना छिल रही हूं। ये देखिए चना है दोस्तों, थे बाजार से खरीद कर, यही आज मना रहे हैं। सभी को अभी देखिए छिलने में लगे हुए हैं। बनेगा इसका, और प्रेम जी क्या है वो बथुआ लाने के लिए, इसमें डलाएगा बथुआ। चलिए दोस्तों अभी फिलहाल तो छील उल लेते हैं, उसके बाद बनेगा कटहल का सब्जी। सो दोस्तों देखिए कटहल आया है, वो भाई साहब कैसा मस्त लग रहा है। और ये जब बनेगा ना तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए अभी तो चलिए अभी दोस्तों फिलहाल तो छील उल कर उसके बाद खाना बनेगा। तो फिलहाल तो कचौड़ी बनेगा, कचौड़ी बनेगा, तो आप लोग वेट कीजिए। तो दोस्तों अभी कचौड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल तो दोस्तों जो मतलब कि बूट मतलब छिलाया था ना, वो सारा चीज मिक्स हो गया, तो अभी जा रहे हैं मिक्स करने के लिए। फिलहाल तो दोस्तों यानी तो अभी मिक्स करने जा रहे हैं फिलहाल तो बेसन। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों पूरा इधर मिक्स हो गया, ये रही बेसन। फिलहाल चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए बेसन आ गया, तो अभी चलिए इसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। और इधर दोस्तों देखिए बेसन चलाने लगा है, ये देखिए अभी पकिया। चलिए दोस्तों ये देखिए चला गया है अभी फिलहाल, तो अभी इसे मिक्स होगा। चलते अभी इधर मंजली भाभी अभी इसे बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सब चीज हो चुका है, इसमें मिला उला दिए हैं, अब सिर्फ बेसन मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे। ये देखिए और अभी दोस्तों देखिए क्या क्या इसमें मिक्स हुआ है। फिलहाल तो मैं बता दूं, बूट हुआ है जो कि मैंने दिखाया था, झंगड़ी जो छिला रहा था, और उसके बाद दोस्तों प्याज भी है, करी पत्ता है, और जो हम लोग खरथू बोलते हैं बथुआ का, वही है मतलब बथुआ जो साग, उसका ब्लॉग तो आप लोग देखे होंगे। फिलहाल तो सभी इसमें मिक्स होकर अभी बनेगा। तो चलिए अभी सारा चीज मिक्स हो गया है, और इसमें अभी नमक डलाएगा। तो इधर नमक डला रहा है दोस्तों, ये देखिए। चलिए अभी सब चीज डला गया है दोस्तों, अभी पानी थोड़ा सा डला कर उसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हो ये देखिए,
और बाकी इधर खाना बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए बनाओ खाना बनाओ इतना तो बढ़ी जल्दी जल्दी। और इधर दोस्तों अभी खाना बन रहा है, बाकी इधर देखिए भैया सब यहाँ पर बैठे हैं जो कि दोस्तों ये देखिए साग लाए खेत से जो साग आया है, देखिए मम्मी जी अभी खोल रहे हैं उसे अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से। और ये देखिए दोस्तों बथुआ का साग तो फिलहाल ये अभी भी बनेगा, तो चलिए अभी फिलहाल तो इधर दोस्तों मिक्स हो रहा है तो फाइनली देखिए मिक्स हो चुका है, तो चलिए अभी सब चीज डाल दिए हैं। और इधर देखिए बन छनाना तो स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से सुझा लेंगे, देख सकते हैं ये देखिए और मस्त लगेगा तुम खाने में। देखिए भाई साहब कल्ले पल्ले डाल दूंगा देखता कि गर्मा गर्म कचौड़ी निकलने लगा। ये और इतना दोस्तों निकल गया है, बाकी फिलहाल अभी उतना बनाना बाकी तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो चलिए ये देखिए दोस्तों, तो जितने भी YouTube फैमिली आज खा लीजिए और कमेंट में बताइए कैसा बना। चलिए तो अभी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखिए तो चलिए अभी फिलहाल तो बना लेते हैं दोस्तों, फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा रात हो गया है तो चलिए जल्दी बना लेते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खाना बनाना है। तो चलिए अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे। ये देखिए कचौड़ी बन चुका है और सभी के लिए इधर निकल रहा है। ये देखिए कचौड़ी नहीं पुलौड़ी, हम लोग अगजा आइए मना रहे हैं। और ये देखिए आई थिंक दोस्तों होली भी बहुत जल्द आने वाला है, फिलहाल तो आज हो गया 14 तारीख, तो 25 तारीख को होली है। तो देखिए ऐसे तो परवल 120 रुपये किलो है। तो फाइनली सभी के लिए इधर निकल गया, पापा ले लिए खाने के लिए और बउआ देखिए इधर पर निशवा भी मांग रही है खाने के लिए। देखिए आओ कर देखिए चलिए अभी सभी कोई ले लिए खाने के लिए, इधर छोटी भी खा रही है। ये देखिए दोस्तों तो चलिए अभी हम भी चलते हैं खाने के लिए फिलहाल तो, और अभी थोड़ा और निकलना है तो आलू हम लोग खा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों आ गया और बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है दोस्तों, टेस्टी लग रहा है, बहुत चीज मतलब डलाया था। और आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए, बना कर खाइए बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल देखिएगा सभी खाने लगे हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखिए अभी मतलब कि पकौड़े बन चुका है और इधर देखिए अभी तो हम खा लिए थे, बाकी भाभी जी बन रहे हैं तो ये भी खा रहे हैं। देखिए तो चलिए अभी फिलहाल खा लेते, बाकी घर में सभी कोई खा लिए हैं, सब लोग खा लिए, हम पिछवा गए थे क्योंकि ये बना रहे थे ना इस वजह से। फिलहाल चलिए अभी खा लेते हैं। तो फिलहाल गाइस सभी का अभी खाना हो चुका है, फिलहाल दोस्तों अभी जा रहे हैं मतलब समय अभी 9 बज गया, रात का 9 बज गया तो हम जा रहे हैं अभी फिलहाल सोने के लिए ताकि सभी कोई मतलब खाना वाना खाकर सोने चले गए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, तो दोस्तों चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बस आप लोग ऐसे प्यार दुलार देते रहिए और तो आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो आज के लिए इतने दोस्तों बाय।